गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकल्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया। ओके, अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। डन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, x और y हमें दिया होता था, x और y की वैल्यू हम फाइंड करते थे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स कि पावर एक ही होगा, इन टू वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल दो होंगे। ओके, तो अभी हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो उसमें हमें क्या चेक करना है, तो क्वाड्रेटिक दैट मीन्स व्हाट, कि जो कोई भी इक्वेशन दिया हो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू होगी, है ना। तो बस यही हमें देखना है सिर्फ। यहाँ पे वेरिएबल का, वेरिएबल कहीं पे भी नहीं है, उसका मतलब एक ही वेरिएबल हमें चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में क्लियरली हमें बोला हुआ था टू वेरिएबल, दैट मीन्स वहाँ पे हमें टू वेरिएबल चाहिए थे, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कहीं पे भी नहीं है, उसका मतलब एक ही वेरिएबल होगा लेकिन क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स कि वो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम टू होनी ही चाहिए। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, या एग्जैक्टली बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है, उसकी पावर कितनी है, टू, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो बस, तो हमारा कॉमन फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन फॉर्मेट है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए कंपल्सरी नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं ही होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, अगर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपल्सरी ए एक्स स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, बोलो क्लियर बेटा? डन, तो ये हमारा कॉमन फॉर्मेट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर बेटा? डन, तो जैसे हमने लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल में हमने देखा था, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सेम वही करना है। हाँ, हमारे पास जो एलिमिनेशन मेथड थी, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, जो लास्ट जो फर्स्ट वाली जो मेथड थी हमारे पास, वो अभी यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे दूसरी मेथड है। लेकिन सॉल्व तो सेम वे, वहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ पे हम क्या करने वाले, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो एक्स एक ही वेरिएबल होगा, तो हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, डन, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी मेथड्स है लेकिन एक वेरिएबल के लिए। ओके, डन, तो चलो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 4.1 में हमें सिर्फ क्या बोला हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 में हमें सिर्फ बोला हुआ है चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट वन इज x प्लस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें सिर्फ चेक करना है। तो अगर हमारा ये फॉर्मेट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो उसका हमारा हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट दी होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। चलो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो टू है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन टू इंटू एक्स, सो टू एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर वन। अभी यहाँ पे टू एक्स है, उसको हम सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे टू एक्स कट, सो सिक्स प्लस वन यानी सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, एक्स वाला टर्म नहीं है तो उसको जीरो दे दिया, कोई बात नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारे हमारे पास मेनली क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है।
उसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला सबको, 100% पक्का ना? बस यही हमें सिर्फ चेक करना है अभी। ओके डन, चलो सो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो 2 में हमें बोला हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। डन, चलो तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं उसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 2 वाला ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके चलो अभी उसको अपोजिट साइड ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है सामने आएगा तो माइनस, ये माइनस है सामने जाएगा तो प्लस, इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन, तो बोलो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट हो गया। उसका मतलब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो डन बेटा, पता चला सबको, पक्का, इजी। बस यहाँ पे अभी हमें चेक करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके चलो अभी आ जाओ थर्ड वन पे। उसमें हमें दिया हुआ है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए देखो, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरे ब्रैकेट के साथ x भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, माइनस 2 भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो x को पूरे ब्रैकेट दे दिया, फिर माइनस 2 को भी पूरा ब्रैकेट दे दिया। सेम वे यहाँ पे भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, तो x को ये सेकंड ब्रैकेट पूरा दे दिया, माइनस 1 को भी पूरा ब्रैकेट दे दिया। ओके क्लियर बेटा, चलो तो अभी एक्स यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 यानी एक्स। चलो यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 2। यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, x इंटू 1 यानी x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ओके चलो सामने देखो। ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत किया, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आना चाहिए, देयरफॉर आना चाहिए। चलो सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर ऑपोजिट साइड कट हो जाएगा। डन, चलो x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज, 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3 एज इट इज। चलो ये 2x सामने आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलो माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, 3 माइनस 2 यानी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो ये जो इक्वेशन मिला, इस यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। बोलो डन बेटा, पता चला कैसे चेक करना है, कम्प्लीटली पता चल गया सबको। डन ना बेटा, पक्का 100%। ओके चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। चलो ऐसा हमारे पास है। चलो अभी एक काम करते हैं, हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में भेजना पड़ेगा। चलो x को भी पूरा टर्म दे देते हैं x प्लस 2x, अरे सॉरी 2x प्लस 1, और माइनस 3 को भी पूरा टर्म दे देते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x। डन ना, चलो यहाँ पे भी ये x इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1x माइनस, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, 3 2 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो है ही।
चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। 2x को एज इट इज़, यहाँ पे प्लस है ये सामने आएगा तो माइनस, चलो x माइनस 6x माइनस 5x, ये प्लस है सामने आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ओके डन। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलो अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कम्प्लीटली हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो डन बेटा, अभी पता चला सबको पक्का 100%। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके चलो, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, सेम वे 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके चलो, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें तो कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। सो 2x के साथ पूरा ब्रैकेट ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 है पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है तो x के साथ सेकंड ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लिकेशन में, प्लस 5 के साथ सेकंड ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लिकेशन में। ओके चलो, अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, इसके साथ भी भेजेंगे। 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6x, 1 इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अगर ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, 5x माइनस 5 वन ज़ा 5। ओके चलो अभी एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर अलर्ट हमें सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। चलो यहाँ पे बेटा 5 माइनस 1 यानी 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है तो वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके डन बेटा, क्लियर ना। चलो अभी ये प्लस 3 एज इट इज़, ये माइनस है सामने आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा ये दोनों को पहले मिक्स कर दिया, एडिशन सब्स्ट्रैक्शन कर दिया, उसके बाद सामने ले गए तो माइनस 4 गया, ठीक है डन ना। चलो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, 5 प्लस 3 यानी 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ सिमिलर करेंगे तो बोलो कम्प्लीटली बैठ रहा है सिमिलरली, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें चाहिए ही चाहिए, तो हमारे पास है, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो डन बेटा, इजी, पता चला अभी सबको पक्का, डन ना बेटा। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। ओके चलो, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं इसको, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। चलो अभी सिर्फ अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 दी होल स्क्वायर 4। बोलो अपोजिट साइड एक्स स्क्वायर कट, सो 3x ये माइनस है सामने आएगा तो प्लस, प्लस 1 एज इट इज़ ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 यानी 7x, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो डन बेटा, पता चला पक्का 100%, डन ना बेटा। ओके चलो, तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो एक्स प्लस 2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके चलो, तो अभी उसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं,
पहले तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी दी होल क्यूब, उसका फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट सेकंड इंटू ब्रैकेट यानी एक्स प्लस टू, है ना। और ये जो ब्रैकेट है वो 2x के मल्टीप्लिकेशन में, तो 2x इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना। सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x इंटू वन 2x, ओके। चलो ये एक्स क्यूब एज इट इज़ 2 रेस टू 3 यानी 8, चलो 3 टू 6x इंटू एक्स प्लस टू है ही मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ रहेगा अभी। चलो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो 6x इंटू एक्स यानी 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x, ये प्लस है सामने आएगा तो माइनस, ये माइनस है सामने जाएगा तो प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। चलो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, कितनी है 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोलो डन बेटा, पता चला पक्का ना, अभी डन है ना यहाँ पे 100%, ओके। तो उसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेल्फ करना है। बोलो हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो बोलो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता चल गया सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पता चला, डन ना, ओके। तो नेक्स्ट अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक क्लियर सबको, पक्का 100%, ओके। तो आज का जो होमवर्क है वो सिर्फ आपको वन टाइम करना है, ठीक है, ये टू टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। डन, क्लियर, 100%, थैंक यू।